हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कीर्ति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय कीर्ति मैम में। इस चैनल पे मैं आपकी मदद करूंगी आपके बायोलॉजी से रिलेटेड सारे कन्फ्यूज़न दूर करने में और अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बायोलॉजी के सारे टॉपिक क्लियर करने में। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होती है? सेल हमारी बॉडी की किसी भी लिविंग की बेसिक यूनिट है। ओके, आइए जानते हैं व्हाट इज सेल, सेल क्या है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेजर बाय सेल। किसी भी लिविंग की बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। सेल यानी कि कोशिका। ओके, सभी लिविंग्स, जितने भी लिविंग्स हैं, सब किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से। ओके, सेल शब्द की उत्पत्ति सेल्यूला से हुई है। किससे हुई है? सेल्यूला लैटिन शब्द है, सेल्यूला। इसका अर्थ होता है, इसका मीन होता है एक छोटा सा कमरा, अ स्मॉल रूम मीन्स, या एक छोटी सी कोठरी। या सेल का एक्चुअल मीन क्या हुआ? एक छोटा सा कमरा, फिर कई सारे कमरे मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, किसी भी लिविंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ह्यूमन बॉडी में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, ओनली 10 mm इन साइज होती है। सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच के एग की। ओके, जो ऑस्ट्रिच एग सेल होती है वो अबाउट 15 cm लॉन्ग होती है, तो ये सबसे लार्जेस्ट सेल है। अब ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म सेल, जो कि मेल में प्रेजेंट होती है, और सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ओवम, जो कि फीमेल में प्रेजेंट होती है। ओके, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, याद करने की चीज़ है ये। तो अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है डिस्कवरी ऑफ सेल। किसने खोज की कोशिका की? कोशिका की खोज कैसे हुई? हु डिस्कवर सेल? इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन ईयर 1665 डिस्कवर सेल इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। साइंटिस्ट थे कौन? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की, और किसमें की? अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क जानते हैं क्या होता है? जो लकड़ी है, जो ट्रीज हैं उनकी जो डेड सेल्स होती है, बार्क। ओके, वो कॉर्क कहलाती है। तो कॉर्क को इन्होंने बहुत थिन स्लाइस कट की, एंड सो दिस स्लाइस अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी रॉबर्ट हुक ने ही बनाया हुआ है, एक क्वेश्चन ने भी बनता है। ही ऑब्जर्व अ स्ट्रक्चर लाइक बीहाइव और हनीकॉम, ही कॉल्ड इट सेल। तो उन्हें स्ट्रक्चर दिखाई दिया बीहाइव की तरह, हनीकॉम की तरह, यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह, और उसे ही इन्होंने क्या कहा? सेल कहा। सो हु डिस्कवर्ड सेल? साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, एंड व्हेन? इन ईयर 1665। क्लियर? बट हुक गिव नो इंडिकेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गनल्स फाउंड इन मोस्ट लिविंग सेल। हुक ने डिस्कवरी जरूर की, लेकिन जितने लिविंग सेल्स में जो सेल्स होती हैं उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, और कॉर्क में की थी डिस्कवरी, कॉर्क तो डेड सेल थी, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की बट इन अ डेड सेल। अब आता है क्वेश्चन कि हु डिस्कवर्ड सेल इन अ लिविंग सेल। ओके, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक इन ईयर 1674 इन एल्गी स्पायरोगायरा एंड बैक्टीरिया डिस्कवर्ड लिविंग सेल। साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, ईयर था 1674। इन्होंने क्या किया? जो दांत का मैल होता है, दांत के खुरचन में जो मैल निकला, उसमें जो बैक्टीरियाज थे, उसमें लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर सेल, आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। बट क्वेश्चन आएगा कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो आपका आंसर होगा साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। ध्यान दीजिएगा, वो हुक है और ये हॉक है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है सेल थ्योरी। अब सेल की डिस्कवरी हो गई, रॉबर्ट हुक ने एंड एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने सेल की डिस्कवरी की। अब सेल के बारे में और डिस्कवरी करके लोगों ने अपनी थ्योरी दी, तो हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी, हिंदी में कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाय साइंटिस्ट मैथियस जेकब स्लाइडेन, अ जर्मन बॉटनिस्ट इन 1838, एंड अ थियोडर स्वान,
1839 आ जर्मन जूलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट थे स्लाइडेन एंड स्वान, इन्होंने अपनी थ्योरीज दी, दैट इज नोन एज सेल थ्योरी. अकॉर्डिंग देम सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग. जो सेल है वो किसी भी लिविंग की सबसे छोटी इकाई है, आ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग. नेक्स्ट, सेल गिव्स स्ट्रक्चर टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग. सेल किसी भी लिविंग को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ओके, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट, संरचनात्मक इकाई, ओके. कोशिका को किसी भी सजीव की संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं. ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फंक्शंस अकर इन सेल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग. क्लियर? सारे फंक्शंस, जितने भी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं, ऑल मेटाबॉलिक फंक्शन, वो सब किस में हो रहे हैं? सेल्स में हो रहे हैं. ठीक है, सारे ऑर्गन सेल से ही तो बने, तो सारे फंक्शंस किस में हो रहे हैं? सेल में हो रहे हैं, इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट यानी क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, ओके. तो स्लाइडेन एंड स्वान ने ये 3 पॉइंट्स दिए थे. साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चियो, इन ईयर 1855 टू 1858 सेट ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. इन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मीन्स क्या होता है? विच मीन्स ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यानी पहले से जो सेल प्रेजेंट है, जब वो डिवाइड होती हैं तो वो न्यू सेल का फॉर्मेशन करती हैं. सभी नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विखंडन से हुआ है. ये किसने बताया था? साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चियो ने, ओके. तो अगर सेल थ्योरी आएगा तो आपको इतना लिखना है, इतना याद करना है. स्लाइडेन स्वान मेन थे, और इसके बाद रुडोल्फ विर्चियो आया था जिन्होंने बताया था क्या, कि सभी न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से ही बनती हैं, ओके. ये थी हमारी सेल थ्योरी की डिस्कवरी हो गई, सेल थ्योरी हो गई. आइए आते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल. कोशिका में केंद्रक पाया जाता है न्यूक्लियस, उसके आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती हैं. द फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और दूसरा यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिकाएं. ठीक है, तो सेल कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? द वर्ड प्रोकैरियोटिक इज मेड अप बाय टू वर्ड्स, प्रो प्लस कैरियोटिक. ठीक है, प्रो प्लस कैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है प्रोकैरियोटिक शब्द. प्रो विच मीन्स, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी आद्य, ओल्ड, पुराना, ओके. एंड कैरियोटिक ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड कैरियन. कैरियोटिक किससे बना हुआ है? कैरियन से. उसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स न्यूक्लियस, ओके. सो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस पुराना हो. पुराना मतलब आद्य, अनडेवलप्ड. पुरानी चीज़ें कैसी होती थी? अनडेवलप्ड होती थी, है ना. तो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस अनडेवलप्ड हो उसे कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, न्यूक्लियस की संरचना बाद में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर जब नेक्स्ट सेल ऑर्गनल्स पढ़ाएंगे हम, तो न्यूक्लियस पढ़ाएंगे. उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक वॉल होती है जिसे न्यूक्लियर वॉल कहते हैं, ओके. और उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल भरा हुआ होता है. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें चारों ओर की वॉल एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर वॉल एब्सेंट होती है, और जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो मिक्स्ड होता है विथ साइटोप्लाज्म. सेल है, सेल के चारों ओर सेल वॉल होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के चारों ओर की वॉल एब्सेंट होती है तो इससे क्या होता है, जितना न्यूक्लियर मटेरियल है वो मिक्स्ड होता है किसमें? साइटोप्लाज्म में, ओके. तो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ओके. सो सेल हैविंग अनडेवलप्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. क्लियर? प्रोकैरियोट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ विद फॉसिल रिकॉर्ड डेटिंग ब्लॉक्स टू ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो. सबसे पुराने जो लिविंग्स थे वो प्रोकैरियोट्स ही थे, उनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं था. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ब्यूग्रीन एल्गियन बैक्टीरियल सेल, जो हमारा बैक्टीरिया होता है, डेट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. नाउ द सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका.
जैसे प्रोकैरियोटिक प्रो प्लस कैरियोटिक से बना था, वैसे ही यूकैरियोटिक यू प्लस कैरियोटिक से बना हुआ है। द वर्ड यूकैरियोटिक मेड अप बाय टू वर्ड्स यू प्लस कैरियोटिक इन विच यू मीन्स गुड और वेल डेवलप्ड एंड कैरियोटिक मीन्स सेम न्यूक्लियस कैरियन इन विच द सेल हैविंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, मीन्स न्यूक्लियस के चारों ओर जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट होती है, जिससे न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर वॉल के अंदर कवर रहता है और साइटोप्लाज्म बाहर होता है। सो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है उसे कहते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। इन दिस काइंड ऑफ सेल न्यूक्लियर मटेरियल इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर वॉल, सो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटेरियल इज सेपरेट। एग्जाम्पल हो गए इसके प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जो हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, जो एनिमल्स अदर एनिमल्स में होती हैं, जो प्लांट की सेल होती है वो सब कैसी है? यूकैरियोटिक सेल है। ओके, आइए पढ़ते हैं अब हम डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होते हैं? एकेडमिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, पहले तो हम दोनों में कॉमन चीज़ें क्या है वो पढ़ लेते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दोनों में ही सेल डिवीज़न होता है। ओके, सेल डिवाइड होती है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, दोनों में ही लिक्विड सब्सटेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसमें अदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी कॉमन चीज़ें। अब आते हैं डिफरेंस साइज की बात करें तो यूकैरियोट्स अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं और प्रोकैरियोट्स अबाउट 0.22 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। यूकैरियोट्स का साइज लार्ज होता है, बिगर होते हैं, प्रोकैरियोट्स स्मॉलर होते हैं। यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, वो उसके चारों ओर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं हम लोगों ने पढ़ा ही था, न्यूक्लियर के चारों ओर न्यूक्लियर वॉल एब्सेंट होती है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर जब न्यूक्लियर वॉल एब्सेंट होगी तो वो क्या कहलाएगी? अनबाउंडेड न्यूक्लियोइड। ओके, इसमें जो अपेंडिजेस होते हैं उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोट्स में अपेंडिजेस का सिंपलर, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर के अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स का डीएनए लीनियर होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए विथ नो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके, यूकैरियोट्स के जो ऑर्गनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ओके, उनके चारों ओर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स के ऑर्गनल्स होते हैं वो उनके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गनल्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ओके, यूकैरियोटिक में माइटोसिस की प्रोसेस होती है, प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन होता है। ओके, नो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। यूकैरियोट्स में सेल वॉल सिंपल होती है और प्रेजेंट होती है। ओके, अगर प्रेजेंट होगी तो वो सिंपल होगी। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेल वॉल। यूकैरियोट्स में सेल वॉल सिंपल होती है जब प्रेजेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होती है। यूकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, बिग राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में स्मॉल राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है। ओके, हमारे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज सेल पार्ट वन में हमने बेसिक ऑफ सेल के बारे में जाना। जल्द ही इसके सेकंड पार्ट के साथ आपको इसी चैनल में मैं दोबारा मिलूंगी। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर किसी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगी। थैंक यू।